नमस्कार, आज हम होंडा के फार्मूला वन इंजन के ईयर 1965 से ईयर 2000 तक हुए इवोल्यूशन की बात करेंगे। क्योंकि होंडा कंपनी अपनी स्थापना के समय से ही टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन पर जोर देती रही है, इसलिए इसने जब फार्मूला वन के लिए ईयर 1965 में अपनी टेक्नोलॉजी का दम दिखाया तो वह भी फार्मूला वन रेसिंग की एक दमदार कंपटीटर मानी जाने लगी। ईयर 1965 से ईयर 2000 तक होंडा ने फार्मूला वन के लिए जिन इंजन्स को डेवलप किया, आइए उनके बारे में जानते हैं। कुल मिलाकर कहें तो चार इंजन होंडा ने इस दौरान डेवलप किए। जो पहला इंजन 1965 में सामने आया वह था RA-272E V12। यह इंजन 1495 सीसी का था और 1965 में यह इंजन 230 bhp से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था, जो उस समय फार्मूला वन रेसिंग के लिए पर्याप्त पावर मानी जाती थी। इस इंजन की ताकत से ही होंडा ने फार्मूला वन रेस में शामिल होने के दूसरे ही साल जीत का स्वाद चख लिया। अब चलते हैं होंडा के दूसरे फार्मूला वन इंजन की तरफ, तो यह इंजन था RA-168E V6। यह इंजन होंडा ने 1988 में शो किया। यह 1494 सीसी का इंजन था। यह रिवोल्यूशनरी इंजन होंडा ने ट्विन टर्बो के साथ प्रस्तुत किया था, जिससे यह इंजन 600 bhp से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम था। फार्मूला वन के इस इंजन के बूते पर होंडा ने एक ही वर्ष में 16 में से 15 रेसें जीत ली। तीसरे फार्मूला वन इंजन की बात करें तो होंडा ने इसे 1991 में शो किया। यह रिवोल्यूशनरी इंजन 3498 सीसी का V12 इंजन था। इसका मॉडल नेम RA-121E था और यह 650 bhp से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था। इस इंजन से होंडा ने कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप लगातार 6 साल तक जीती, ड्राइवर्स चैंपियनशिप लगातार 5 साल तक जीती, 16 अन्य रेसों में 8 अन्य जीते भी हासिल। अब चौथे फार्मूला वन इंजन की बात करते हैं, जिसे होंडा ने ईयर 2000 में शो किया था। यह एक V10 3 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन था। RA-000E कोड नेम वाले इस इंजन की खासियत थी कि यह 800 bhp से ज़्यादा की पीक पावर प्रोड्यूस करता था, जो एक फार्मूला वन कार को मात्र कुछ सेकंड में ही तूफानी रफ्तार प्रदान करने में सक्षम था। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी आवश्यक है, होंडा ने फार्मूला वन रेस में शामिल होने के 15 साल में ही 186 में से 71 रेसें जीत ली थी। अनेक उपलब्धियों के बाद होंडा ने RA-000E इंजन के साथ, जो 800 bhp से ज़्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम था, ईयर 2000 में फार्मूला वन रेस के एक नई युग में प्रवेश करते हुए बार होंडा टीम बना ली और नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ बढ़ चली।